दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के नाथ चंद्रावत छात्रावास में रहने वाले छात्रावासियों ने भोजनालय के ई चालान का दहन किया। इस दौरान छात्रों ने ई चालान पेपर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने मेज के खाने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन बिजली पानी जैसी सुविधाएं भी नहीं दे रहा है। छात्रावास के छात्रावासियों ने कहा कि छात्रावास में फैली गंदगी और शौचालय पीने का पानी की समस्याओं को छात्रावास प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद इस समस्या का निवारण नहीं हो रहा है, जिसके संबंध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुनी संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता वीरेंद्र प्रताप सिंह देव ने कहा, देवेंद्र प्रताप सिंह देव। यहाँ पे समस्त छात्रवासी जो गरीब छात्रवासी हैं लगभग 97-98% अभी तक केवल 8 चलान, 300 छात्रों में केवल 8 चलान जमा हुआ है। 292 छात्रों ने चलान का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया है और चलान जला के आप लोगों के सामने आप लोग देखे हैं यहाँ पे बहिष्कार किया है। क्या मांगे यही है कि जो आप मेज चलाना चाहते हैं निश्चित हम उसका विरोध नहीं करते हैं। यहाँ पे गरीब छात्रवासी हैं, बताइए 28,000 रुपए का खाना एक दिन में आप नहीं खिला सकते, उसको किस्त वाइज कर दीजिए, कई खंडों में विभाजित कर दीजिए। जो गरीब लड़के हैं वो सोचेंगे देने के लिए और निश्चित ही वो अभी दे सकेंगे। और यहाँ पे जो व्यवस्था हम कर रहे हैं कि आपको छात्रावास में जिस तरह ये कार्य कराएं, एक महीने के अंदर मेज तैयार करा दिए, उसी तरह आप कुछ कार्य कीजिए, पानी का व्यवस्था सही करा दीजिए। जो टंकी में बंदर टॉयलेट करते हैं, बंदर लैट्रिन करते हैं, उसका पानी हम लोग पीते हैं। हम लोग निश्चित है अपने हम लोग के अंदर कितने लोगों को मलेरिया हो गया है, टाइफाइड हो गया है, इसका कोई नहीं। कभी यहाँ पे फॉगिंग नहीं हुआ, कभी यहाँ पे पढ़ने के लिए पत्र पत्रिका आती है वह नहीं हुआ। बस ये लोग आते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, फेसबुक पर डाल देते हैं, इस बात से हमको नफरत है। देखिए और छात्रावास का हालत आप खुद ही चल के देख लीजिए, कहानी की बात नहीं है। केवल देखिए यह जिन लोगों का कार्य केवल कागज में चल रहा है, धरातल पे नहीं उतरा हुआ है। ये कहा गया है जिसमें सारा दर्द से झुककर दोहरा हुआ होगा, हम सब सजदे में नहीं थे, विश्वविद्यालय प्रशासन तुम्हें धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती है विकास की सभी नदियां, हम सबको मालूम हो कि यह पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा।